हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो के माध्यम से हमने मगध सम्राट के उत्कर्ष के अंतर्गत हर्यक वंश को देखा। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जाकर आप वहां से उसे देख सकते हैं। आज के वीडियो के माध्यम से हम भारतीय इतिहास के एक और महत्वपूर्ण वंश शिशुनाग वंश एवं नंद वंश के बारे में जानेंगे कि कैसे उसने मगध पर शासन किया और पूरे 16 जनपद को एक अखंड मगध साम्राज्य के अंदर समाहित कर लिया एवं पूरे भारत पर इन वंशों का शासन हो गया। आइए देखते हैं शिशुनाग वंश 412 से 392 ईसा पूर्व। इस वंश के संस्थापक का नाम शिशुनाग था। काशी गवर्नर शिशुनाग ने नागदशक को पदच्युत कर शिशुनाग वंश की स्थापना किया। इसी के नाम से इस वंश का नाम शिशुनाग वंश पड़ा। प्रमुख शासक शिशुनाग वंश का प्रथम शिशुनाग 412 से 344 ईसा पूर्व काशी का गवर्नर था, जिसने मगध में शिशुनाग वंश की स्थापना किया। राजधानी पाटलिपुत्रा से वैशाली स्थानांतरित कर दिया। इससे पहले हमने जाना हर्यक वंश के शासक उदयन ने राजगिरी से अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया, तथा शिशुनाग ने पाटलिपुत्र से अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर वैशाली लेकर गया। उपलब्धि शिशुनाग की अवंती पर विजय प्राप्त कर अवंती मगध संघर्ष को समाप्त कर दिया, तथा वस्त्र राज्य पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया। इसके शासन के समय मगध साम्राज्य के अंतर्गत बंगाल से लेकर मालवा तक का भूभाग सम्मिलित था। महावंश के अनुसार शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र कालाशोक गद्दी पर बैठा। अब देखते हैं कालाशोक के बारे में। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक था। उसका नाम पुराण एवं दिव्य वदान में काकवर्ण मिलता है। उसने वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। उनके पिता शिशुनाग ने राजधानी वैशाली स्थानांतरित कर दिया था। कालाशोक ने पुनः वैशाली से राजधानी को पटना स्थानांतरित कर दिया। इसी के समय बौद्ध संघ दो भाग अस्थवीर तथा महासंघिक में बट गया, जो आगे चलकर कुषाण काल में पुनः बौद्ध संघ तीन भागों में बट जाएगा। आगे देख लेते हैं। वानभट्ट द्वारा हस्तचरित्र के अनुसार काकवर्ण की राजधानी पाटलिपुत्र में घूमते समय महापद्मानंद नामक व्यक्ति ने चाकू मारकर हत्या कर दी। बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्र थे, जिन्होंने कालाशोक की मृत्यु के बाद मगध पर 22 वर्षों तक शासन किया। नंदीवर्मन शिशुनाग वंश का अंतिम राजा था। तो ये तो थे शिशुनाग वंश के बारे में। अब देख लेते हैं नंद वंश 344 से 324 ईसा पूर्व। यह संस्थापक महापद्मानंद था। ये वही पद्मानंद है जिन्होंने नंदी वर्मन को चाकू से मारकर हत्या कर दिया, तथा शिशुनाग वंश का स्थापना किया। शिशुनाग वंश की सत्ता पर अधिकार करके महापद्मानंद ने 344 ईसा पूर्व में नंद वंश की स्थापना की। प्रमुख शासक महापद्मानंद, जिसे जैन ग्रंथों में उग्रसेन नाम से उल्लेखित किया गया है। पुराणों के अनुसार इस वंश का संस्थापक महापद्मानंद एक शूद्र था। पुराणों में महापद्मानंद को सर्व क्षत्रांतक क्षत्रियों का नाश करने वाला तथा भार्गव दूसरे परशुराम का अवतार कहा गया है। इसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की तथा एकराट तथा एक छत्र की उपाधि धारण की। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में हर बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, एकराट की उपाधि अथवा एक छत्र की उपाधि किसने प्राप्त की थी? तो ये महापद्मानंद हैं। सर्व क्षत्रांतक व भार्गव भी कहा गया है पुराणों के अनुसार, तथा जैन ग्रंथों में इसे उग्रसेन के नाम से जाना जाता है। तो ये तो थे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आगे देख लेते हैं उपलब्धि। कलिंग पर विजय किया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट जीन की मूर्ति कलिंग से उठाकर लाने वाला महापद्मानंद था। महापद्मानंद के 8 पुत्र थे। धनानंद भी उसका पुत्र था, जो नंद वंश का अंतिम शासक था। देख लेते हैं धनानंद के बारे में। यह सिकंदर के समकालीन था। उसके समय में 826 ईसा पूर्व में सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था।
ग्रीक या यूनानी लेखकों ने इसे अग्रमीज कहा है। धनानंद ने जनता पर बहुत कर आरोपित कर दिया था जिससे जनता असंतुष्ट थी। धनानंद के दरबार में चाणक्य जो कि तक्षशिला के आचार्य थे आए थे, वह धनानंद के द्वारा अपमानित किया गया चाणक्य को। 322 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से धनानंद की हत्या कर पाटलिपुत्र पर अधिकार कर लिया एवं मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। मौर्य के शासन के अंतर्गत मगध साम्राज्य चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। तो दोस्तों ये तो थे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ शिशुनाग वंश एवं नंद वंश के बारे में। तो दोस्तों यहीं पर आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जानकारी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। वीडियो को लाइक करें एवं चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। अगली वीडियो के माध्यम से मगध साम्राज्य के अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण वंश मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि कैसे चाणक्य की मदद से मौर्यों ने समूचे भारतीय उपमहाद्वीप आधुनिक अफगानिस्तान से बंगाल देश तक मौर्य साम्राज्य के अधीन कर शासन किया। तो दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहें, रोज नया सीखते रहें। धन्यवाद।